Hello friends, welcome to e-learning class 2. Subject Mathematics, Chapter 1, Numbers up to 1000. Chapter 1, Numbers up to 1000. ये chapter में हम 1000 तक number learn करेंगे. Exercise 1. Write the number names. यहाँ पर number दिया है आपको. आपको उसका स्पेलिंग बनाकर लिखना है. फर्स्ट 47, FORTYSEVEN 47. सेकेंड 85, EIGHTYFIVE 85. 91, NINETYONE 91. 64, SIXTYFOUR 64. Write the numbers. यहाँ पर इसका उल्टा करना है. यहाँ पर नंबर नेम लिखना है, यहाँ पर आपको नंबर लिखना है. 89, BIGHTYNIE 89. BIGHTYNIE 36, NINETYNIE 99. B 40, FORTY 40. Write the missing numbers on the caterpillar. नीचे caterpillar में हमें जो number missing है वो number लिखना है. 74, 75 के बाद क्या आएगा? 76, 77, 77 के बाद 78, 78 के बाद 79, 80, 80. Use greater than or less than or equal to. A, 91 or 89. A 91 and 81. जो बिग नंबर है उसके साइड ओपन आएगा. 91 बिग है तो यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन. ग्रेटर देन की साइन करनी है. B 38 and 40. तो यहाँ पर 38 इज स्मॉल नंबर, इसके सामने आएगा लेस देन. और 40 बिग नंबर है तो उसके सामने ओपन साइड, मतलब उसके साइड ओपन साइड आएगा. सी 69 and 96. 69 इज स्मॉल नंबर एंड 96 इज बिग नंबर. 69 स्मॉल है तो उसके साथ में लेस देन आएगा. डी 22 and 22, दोनों नंबर इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल की साइन आएगी. ई 21 and 15, 21 इज अ बिग नंबर तो यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन. एफ 54 and 57, 54 इज अ स्मॉल नंबर एंड 57 इज अ बिग नंबर तो 54 के सामने आएगा लेस देन. ए राइट द नंबर जस्ट बिफोर. इसमें आपको आगे का नंबर लिखने का है. 32 आपको दिया है, 32 के आगे क्या आता है? 31. 90 दिया है, 90 के आगे क्या आता है? 89. 22 दिया है, 22 के आगे 21. 48 दिया है, 48 के आगे 47. बी राइट द नंबर्स इन बिटवीन. यहाँ पर आपको दोनों नंबर दिया है और आपको बिटवीन नंबर, मतलब बीच में जो नंबर आता है वो लिखना है. 15 और 17 दिया है तो 15 और 17 के बीच में आता है 16. 35 और 37 दिया है तो बीच में आएगा 36.
89 और 91 दिया है तो बीच में आएगा 90, 22 और 24 दिया है तो बीच में आएगा 23, 77 और 79 दिया है तो बीच में आएगा 78, 53 और 55 दिया है तो बीच में आएगा 54. सी राइट द नंबर जस्ट आफ्टर. यहाँ पर आपको ये नंबर के बाद जो नंबर आता है वो लिखना है. 40 के बाद क्या आता है? 41. 58 के बाद क्या आता है? 59. 72 के बाद क्या आता है? 73. 29 के बाद क्या आता है? 3030. अ ईयर हैज 12 मंथ. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ एंड डिसेंबर इज द 12 मंथ. जनवरी फर्स्ट मंथ है और डिसेंबर 12th मतलब लास्ट मंथ है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ऑर्डिनल नंबर्स. हमें नंबर का यूज कर कर ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ऑर्डिनल नंबर्स. हमें ये जो सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स है वो नंबर लिखकर फिलअप करनी है. तो ए सेप्टेम्बर इज द ब्लैंक मंथ. तो सेप्टेम्बर कौन से नंबर पर आता है वो हमें लिखना है. सेप्टेम्बर इज द 9th मंथ. बी फेब्रुआरी इज द ब्लैंक मंथ. फेब्रुआरी कौन से नंबर पर आता है? 2nd. सी ब्लैंक्स इज द 11th मंथ. 11 नंबर पर कौन सा मंथ आता है? नवंबर. डी ऑगस्ट इज द ब्लैंक मंथ. ऑगस्ट कौन से नंबर पर आता है? 8. ई ब्लैंक्स इज द 5th मंथ. 5th मंथ कौन सा है? मे. एफ ब्लैंक्स इज द 10th मंथ. 10 नंबर पर कौन सा मंथ आता है? अक्टूबर. राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. इसमें आपको क्या करना है? ये जो नंबर दिया है उसको आपको एक्सपेंड करना है. मतलब के आपको अलग अलग लिखना है सब. देखो फर्स्ट आपके लिए कर कर दिया है. 34 इज इक्वल टू 3 tens. मतलब जो दोनों नंबर है उसमें प्लेस है ना. तो 4 नंबर है वो 1 प्लेस पर है और 3 नंबर है वो 10 प्लेस पर है ना. तो 3 tens प्लस 4 ones. तो 3 tens लिखा है यहाँ पर. तो यहाँ पर 3030 आएगा और 4 ones लिखा है तो प्लस 4 आएगा. तो 30 प्लस 4 कितना होता है? 34. बी 19 इज इक्वल टू ब्लैंक 10. तो यहाँ पर 19 नंबर दिया है तो हमें उसको एक्सपेंड करना है. तो 110 मतलब 10 प्लस 9 ones प्लस 9. 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 90. सी 92 इज इक्वल टू ब्लैंक्स 10 प्लस 2 ones. तो यहाँ पर ब्लैंक्स में आएगा 9. 9 tens प्लस 2 ones. 9 tens मतलब 90 प्लस 2. 90 प्लस 2 इज इक्वल टू 92. राइट द नंबर्स इन द शॉर्ट फॉर्म. यहाँ पर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. ए 5 tens प्लस 4 ones. 5 tens और 4 ones है तो कितना होगा? 54. बी 6 tens प्लस 1 one. 61. सी 3 tens प्लस 9 ones. 39.